आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिड्डा, क्या ग्रास हॉपर क्या है, इसका बॉटनिक हम इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टिड्डा, यानी इसको हम सामान्य भाषा में टिड्डा कहते हैं या इसको हम खरीफ का टिड्डा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? खरीफ का टिड्डा। खरीफ का टिड्डा इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये खरीफ की फसल में ज्यादातर नुकसान करता है और ये खरीफ सीजन में ही आता है, इसलिए इसको हम खरीफ का टिड्डा कहते हैं। ठीक है, इसका जूलॉजिकल नेम या इसका बायोलॉजिकल नेम है हीरोग्लाइफस बेरियन। इसमें दो होते हैं, पहला जो नाम होता है वो वंश का होता है, दूसरा किसका होता है, दूसरा जाति का होता है। इसमें हीरोग्लाइफस रिग्रेनिप्लेटस और हीरोग्लाइफस बेरियन, यानी इसमें दो जातियां हैं, ये रिग्रेनिप्लेटस अलग है और ये बेरियन अलग है, यानी ये दो जाति है, पहली ये और दूसरी ये। ठीक है, ये किस संघ से संबंध रखता है? आर्थ्रोपोडा। किस संघ से संबंध रखता है? आर्थ्रोपोडा। वर्ग इसका इंसेक्टा हो गया, गण इसका आर्थ्रोप्टेरा हो गया, कुल इसकी आर्किटिडी हो गई, आर्किटिडी कुल का है ना। वंश इसका हीरोग्लाइफस हो गया, मैंने बताया था ये इसका वंश हो गया, और ये जाति है किसकी? निग्रेनी प्लेटस या बेनियान, यानी इसकी ये जाति होगी। अब हम इसको समझते हैं फोटोज से, है ना। देखो ये, देखिए ये हमारे पास टिड्डा है। टिड्डा क्या है इसका? ये हमारे पास टिड्डा है। एक मिनट, थोड़ा इधर जूम करें थोड़ा। ये हो गया टिड्डा, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्या है, ये हमारे पास टिड्डा अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास टिड्डा है, तो हमने पढ़ लिया इसका सामान्य नाम टिड्डा हो गया, वैज्ञानिक नेम हीरोग्लाइफस निग्रेनिप्लेटस, संघ इसका आर्थ्रोपोडा हो गया, वर्ग इसका इंसेक्टा हो गया, गण इसका आर्थ्रोप्टेरा हो गया, कुल इसकी आर्किटिडी हो गई, वंश इसका हीरोग्लाइफस हो गया, जाति इसकी रिग्रेनिप्लेटस हो गई या बेनियान। इसकी दो जातियां हैं, फर्स्ट और ये सेकंड है ना। तो बस, ओके।